Yes, I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, 15,000 की बजट और आपको एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे बढ़िया बढ़िया 5G फोन्स लाए जो हमारे हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी है। ऐसे तो काफी 5G फोन्स है लेकिन हमने सिर्फ यही सारे फोन्स उठाए जो मुझे ऐसा लगता है कि रिकमेंड करने के लायक है और आज आपको इन सारे बढ़िया 5G फोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे वीडियोस आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, रंगीला कर दीजिए सब्सक्राइब बटन, एक बार बटन दबा के देखिए पता चलेगा, और लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। सबसे पहला फोन एकदम न्यूली लॉन्च्ड है, पोको का X6 नियो। अब ये स्मार्टफोन मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसका डिस्प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा है। 6.66 इंच की फुल HD प्लस की 120 हर्ट्ज वाली एक OLED डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, पंचोल डिस्प्ले, डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी 1000 निट्स की है, गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है। प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 आपको मिलता है, बाकी 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की आपको चार्जिंग मिलती है, 108 मेगापिक्सल कैमरा, 16 की सेल्फी, तो ये सब कुछ यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। लेकिन एंड्रॉयड 13 है, एंड्रॉयड 14 नहीं है, तो यहाँ पर अपडेट के मामले में ये थोड़ा पीछे हो गया है। लेकिन 2 साल की अपडेट्स ब्रांड ने बोला तो फिर भी आपको इसमें एंड्रॉयड 15 तक अपडेट्स देखने को मिल ही जाएगी। बाकी दो वेरिएंट से 8128, 12256 जो बेस वेरिएंट है वो 16,000 का है, ऑफर पर आपको ये 15,000 का मिल ही जाता है। और अगर ये 15,000 तक मिलता है तो एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है लावा का स्टॉर्म 5G। ये भी हाल ही में दोस्तों लॉन्च हुआ था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 5G फोन है लावा की तरफ से। इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पर आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले और यहाँ पर 120 हर्ट्ज की आपको हाइयर रिफ्रेश रेट मिलती है, साथ ही साथ ये पंचोल डिस्प्ले भी है और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो ये चिपसेट अच्छी है। LPDDR4X UFS 2.2 आपको यहाँ पर मिलता है, बाकी 50 megapixel कैमरा है, इसमें अल्ट्रा वाइड भी दिया है जो बहुत सारी ब्रांड्स बजट में नहीं देती है, यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट चार्जिंग यहाँ पर भी है। ये एंड्रॉइड 13 पर आया था तो सिर्फ एक ही साल का अपडेट मिलेगा, एंड्रॉइड 14 तक ही आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर अपडेट का इशू है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है तो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, ये आपको सिर्फ 12,500 पर मिलता है, तो ये बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर है। अगर आपको इस प्राइस पर ज्यादा स्टोरेज, ज्यादा रैम, अच्छी चिपसेट, एक बढ़िया डिस्प्ले और बढ़िया सॉफ्टवेयर चाहिए तो लावा स्टॉर्म 5G आपका इंतजार कर रहा है। उसके बाद आता है टेक्नो का पोवा 5 प्रो। जी हाँ, ये स्मार्टफोन मैंने बहुत बार रेकमेंड किया हूँ और ये अब थोड़ा पुराना हो चुका है, हो सकता है इनके नए फोन्स भी लॉन्च हो, अगर पुराना लगता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ, ये फीचर्स बहुत अच्छे हैं। आपको एक बढ़िया सी डिस्प्ले मिलती है फुल HD प्लस की 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट IPS डिस्प्ले, लेकिन इसकी ब्राइटनेस मुझे बहुत पसंद आई थी, AMOLED के फोन्स की ब्राइटनेस को उसने टक्कर दिया था, हमने कंपैरिजन भी किया था इसका, तो डिस्प्ले पैनल बहुत अच्छा है। बाकी आपको उसके अलावा यहाँ पर डायमेंसिटी 6080 यहाँ पर भी लगा हुआ है, अभी बहुत सारे फोन्स बजट में इसी चिपसेट के साथ आ रहे, तो ये चिपसेट काफी अच्छा काम कर रही है। LPDDR4X और UMCP आपको स्टोरेज मिलता है, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 16 की सेल्फी। आप मुझसे पूछेंगे आफ्टर सैमसंग अगर कोई अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन बताइए तो मैं आपको पहले टेक्नो का रेकमेंड करूंगा, आप सरप्राइज हो जाएगा, आप खुद बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कैमरा बहुत अच्छा है इसका, हमने कैमरा पर्सनली टेस्ट किया। उसी के साथ आपको 5000 mAh की बैटरी और 68 वॉट की चार्जिंग है, तो चार्जिंग बहुत अच्छी आपको मिलती है, आप अपने फोन को एकदम फास्ट चार्ज कर सकते हैं। एंड्रॉइड 13 इसमें भी आपको एक ही साल की अपडेट मिलेगी तो एंड्रॉइड 14 तक ये जाएगा, और बाकी 8128, 8256 दो वेरिएंट है और ये 15,000 से स्टार्ट होता है। 15,000 के नीचे अगर सेल पर भी कभी कभी ये 13,000 तक मिलता है, मेरी रिकमेंडेशन है 13,000 पर लो तो ज़्यादा वैल्यू देगा। ओवरऑल ये बहुत अच्छा फोन है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। Samsung Galaxy M34 5G, इस स्मार्टफोन को मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता, वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, और अभी अगर ये 15,000 पर है तो ही आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा, उसके ऊपर फिर हमें बहुत सारे और ऑप्शंस मिलते हैं। इनफैक्ट Samsung का खुद का नया फोन आने वाला है तो यहाँ पर आपको ये फुल HD प्लस की सुपर AMOLED डिस्प्ले देता है, 120 हर्ट्ज की आपको हाईएस्ट रिफ्रेश रेट, लेकिन यहाँ पर आपको पता है वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले पैनल क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलती है। Exynos का 1280 चिपसेट है, ये चिपसेट अच्छा है, इसने हमने फुल रिव्यू जब किया था, जेंशन इंपैक्ट खेला था इसमें, स्कोर्स वगैरह, थर्मल सब कुछ अच्छे निकल कर आए थे, तो डिटेल टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ कि ये चिपसेट आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। 50 का कैमरा है जिसमें आपको OIS मिलता है, जी हाँ, आपको अल्ट्रावाइड सेंसर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और कैमरा बहुत अच्छा है इस फोन में। बजट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बेस्ट कैमरे में सबसे पहले यही फोन रेकमेंड करूंगा, और 13 megapixel की सेल्फी है, सेल्फी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। 6000 mAh की आपको बैटरी है, 25 वॉट की चार्जिंग, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं है,
चार्जर का खर्चा आपको अलग से करना पड़ेगा या आपको पुराना चार्जर यूज करना पड़ेगा। बाकी एंड्रॉइड 14 और वन यूएस 6 पर बेस्ड है और 4 साल की अपडेट्स ब्रांड ने बोला है, तो मतलब एंड्रॉइड 13 से 4 बोला था, तो एंड्रॉइड 17 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे। तो अपडेट के मामले में बहुत आगे, कोई भी फोन नहीं है, ये सबसे आगे है। बाकी 6128 और उसके अंदर एक हाईर वेरियंट भी है, अभी फिलहाल के लिए 16,000 का है, ऑफर पर यह 15,000 तक मिल जाता है, 15,000 तक आता है, तो ये बेस्ट स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से। Realme Narzo 60X 5G ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। 6.72 इंच की फुल HD प्लस की 120 हर्ट्ज की एक IPS डिस्प्ले, पंचोल डिस्प्ले, डिस्प्ले पैनल क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। MediaTek Dimensity 6100 प्लस आपको यहाँ पर मिलता है, तो ये चिपसेट काफी अच्छी निकल कर आई है, ये 6080 के बाद लेटेस्ट चिपसेट आई थी, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगी। 50 MP रियर कैमरा है और उसी के साथ 8 MP की आपको सेल्फी मिलती है। कैमरा इसका ठीक है, मतलब डिसेंट क्वालिटी, अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो उसके हिसाब से मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा, कैमरा छोड़कर मैं आपको दूसरी चीजों में चिपसेट के मामले में रेकमेंड कर सकता हूं। 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग है, एंड्रॉइड 13 और 2 साल के अपडेट्स, एंड्रॉइड 15 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे। 4128 6128 इसकी जो प्राइस है वो बहुत एग्रेसिव है, हमने जब चेक किया था तो सिर्फ 11,500 की थी। जी हाँ, 11,500 पे वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अच्छी एग्रेसिव प्राइस पर, इसको आप जाके चेकआउट कर लीजिए। फिर आता है Samsung Galaxy F15 5G, हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसकी अनबॉक्सिंग हमने किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है। 90 हर्ट्ज की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर वाटर ड्रॉप डिस्प्ले। अब Samsung कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन पैनल जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करता है। MediaTek Dimensity 6100 प्लस, यहाँ पर LPDDR4X UFS 2.2 अच्छा लगा, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन में उन्होंने Exynos यूज किया था, यहाँ पर उन्होंने MediaTek की चिपसेट इस्तेमाल करी है। 50 का कैमरा है, 5 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर भी है और 13 MP सेल्फी, बजट में अंडर 15,000 ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है मैं बोल सकता हूं, क्योंकि हमने पर्सनली टेस्ट किया है। 6000 mAh की बैटरी है, 25 वॉट चार्जिंग, चार्जर आपको यहां पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन बैटरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, 1.5 दिन तक आपको बैकअप यहां पर मिल सकता है। एंड्रॉइड 14 पर ये लॉन्च हुआ है, वन यूएस 6 पर, और आपको उसके साथ साथ 4 साल की और अपडेट्स भी मिलेंगे, तो यानी कि आप सोचो एंड्रॉइड 18 तक आपको इसमें अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो बजट में कोई नहीं दे रहा है। सैमसंग ने सारे बैरियर तोड़ दिया है अपडेट के मामले में। बाकी इसमें 4128 और आपको 8256, जो 4128 है वो 13,000 का है, ये ऑफर पर आपको और भी कम मिल सकता है, तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस है, एक अच्छी ब्रांडेड स्मार्टफोन है, ब्रांड वैल्यू आफ्टर सेल सर्विस ये भी देखना पड़ता है, आप इसको जरूर से चेकआउट करिए। फाइनल जो स्मार्टफोन है वो है मोटोरोला का G54 5G। अब ये स्मार्टफोन की चिपसेट यहाँ पर काफी अच्छी है प्राइस के हिसाब से। पहले तो आपको डिस्प्ले की बात करें तो फुल HD प्लस की आपको एक IPS डिस्प्ले मिलती है और ये एक 120 हर्ट्ज की हाईर रिफ्रेश रेट पंचोल डिस्प्ले है। डिस्प्ले में आपको क्वालिटी पैनल बहुत अच्छा मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है। Dimensity 7020, जी हाँ, आपको ये चिपसेट बहुत अच्छी मिलती है, 6 nm वाली LPDDR4X UFS 2.2 यहाँ पर लगा हुआ है। 50 का कैमरा है, इसमें आपको OIS मिलता है, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है और आपको 16 की सेल्फी। कैमरा इस फोन का बहुत ही अच्छा है, हमने पर्सनली टेस्ट किया है। 6000 mAh की बैटरी है, बैटरी में भी कोई कंजूसी नहीं है और 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट है और चार्जर भी बॉक्स में दिया गया है, तो ये भी चीज काफी बोनस है। एंड्रॉइड 13 और 1 साल का अपडेट मिलेगा, तो अपडेट के मामले में ये फोन थोड़ा पीछे हो गया है, लेकिन आपको बाकी तो प्राइस बहुत अच्छी है, 8128 और 12256 जो बेस वेरियंट है वो आपको 14,000 तक मिलता है, ऑफर पर और भी कम मिल जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज, एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वो सारे स्मार्टफोन्स थे जो हमने आपको रेकमेंड किया है, सभी 5G फोन है, सभी ऑलराउंडर फोन है और हमारे हिसाब से ये फोन्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं अगर आपकी बजट 15,000 या उसके नीचे है। ऐसे वीडियोस चाहिए हर महीने, तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।